यूट्यूब फॉलोअर्स जो बार बार यही पूछते हैं कि वजन 80 किलो है 90 किलो है तो वहां कहां से एक्सरसाइज की शुरुआत की जाए, तो ये आपके पास इधर को ये एडवांस लेवल कैलोरीज को बर्न करने के लिए इनके हाथ में घड़ी लगी हुई है एप्पल वॉच, तो ये कैलोरीज को बताएंगे, ठीक है। इनका बिगनर्स लेवल होगा, ठीक है, मैं मॉडरेट लेवल करके दिखाऊंगी, ठीक है। तीन मॉडल है आपके सामने, तो आपने अपने हिसाब से चूज करना है कि आपने क्या करना है। फर्स्ट एक्सरसाइज योग में होता है पाद मूल शक्ति विकासक, पैर के मूल भाग के लिए का, ध्यान से देख लीजिए, आप करोगे 1 2 और इसी को कार्डियो की भाषा में जंप रोप भी कह दिया जाता है, जिससे आपके पूरे शरीर में जो भी कहीं भी गांठें पड़ी हुई है, ठीक है, चाहे वो हैंड्स में है, ब्रेस्ट के साइड में है, बैक फैट है, वो कर, ठीक है। ये है पाद मूल शक्ति विकासक, इसमें बिल्कुल हैंड्स का वजन भी जाएगा, लेकिन योग में ये क्रिया होती है, योग में ये हाथ नीचे करके बिल्कुल टाइट करो बॉडी को, हाँ बॉडी को नीचे को करो, ठीक है। इधर दिखाओ पैर बिल्कुल धीरे से, इसको हाँ सिंगल पैर से भी कर सकते हैं, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए एक ये देख लीजिए थोड़ा सा इधर को, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं सिंगल पैर से, देख लीजिए। तो आप अपनी क्षमता के अनुसार करेंगे कि वजन यदि आपका ये 90 किलो है, जूम पे बहुत सारे मेंबर है, 3 महीने में 6 किलो कम किया जी, रूपाली जी के लिए क्लैपिंग, जो लोग हमसे शेयर कर रहे हैं, वेरी गुड। तो अगर आपका वजन 90 किलो है जूम ऑनलाइन क्लासेस में, तो वो सावधानियों को बिल्कुल ध्यान से सुने, वेरी गुड, आपके योगा से, वेरी गुड, थैंक यू जी, आपके योगा से, बस ये गुरु कृपा है, आपका योगा तो कुछ नहीं, सबका ही योगा, ठीक है। दूसरा ही लिफ्ट में ये वाला हमने रहता है 1 2, जिनको नीज में कोई पेन है या एंकल में स्वेलिंग रहती है वो ये देखिए 1, सांस को बाहर निकालेंगे सांस के साथ, मैंने बार बार बताया किसी भी बीमारी का इलाज श्वास के द्वारा, तुम बच्चे तुम तो थोड़ा फास्ट करो, ये स्लो करेंगे, थोड़ा हिप्स को भी हिलाओ, क्योंकि इनकी एप्पल वॉच बंधी हुई है, तो आज इनकी एक्स्ट्रा कैलोरी मुझे 100-150 एक्स्ट्रा कैलोरी इनकी बर्न करानी है, लेकिन इनके चक्कर में आप अपनी बॉडी ना खराब कर लेना, हाँ इनके चक्कर में आप अपनी बॉडी नहीं खराब करना, आप इनको फॉलो करें। अब हमारे पैर बिल्कुल एक्टिव हो गए, फटाफट फटाफट हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सेकंड एक्सरसाइज दोनों हाथ कमर पर, काउंटिंग बोलो, काउंटिंग कराओ, पैर को देख लीजिए अच्छे से, वेरी गुड। तो इससे आपका थाइस का वजन निकलेगा, ये सामने जूम पे जरा टिक के आराम से आप इन्हीं को देखेंगे, मैं इन दोनों को बता रही हूँ, आज इनकी शामत आ गई है क्योंकि दोनों के हाथ में एप्पल वॉच है, तो मुझे इनकी कैलोरीज एक्स्ट्रा। वैसे अगर बिपासा बासु का स्टेप जो होता है वो घुटना चला जाएगा, हाँ घुटना चला जाएगा, इस पे जोर पड़ता है घुटने पे, मैं 50+ की तो मैं भी आराम से करूंगी, लेकिन ये भी छोटा बच्चा है, ये भी 30+ है, छोटा ही 29 30+, तो आप जैसे बिपासा का स्टेप होता है तो अपने हिसाब से आप करोगे, ये क्या बात है, वेरी गुड, हाँ गैप करके थोड़ा सा ये देख लीजिए, तुम एक बार शिफाली पीछे हो जाओ, ये देख लीजिए इसमें कैलोरीज ज्यादा बर्न होगी, तो इसमें हमारा हिप फैट थाई फैट, वेरी गुड, करते रहिए, थक जाओ तो साइड में बिल्कुल आराम से इजी वाला पोज कर लीजिए, जब बॉडी थक जाए तो इजी वाला पोज कर लीजिए, हाँ सुरेखा जी वेरी स्लोली चलेंगे आप, बिल्कुल नहीं ज्यादा चलेंगे, निधि गुप्ता जी वेरी गुड, सीमा गुप्ता जी नीज की सर्जरी हुई है, थोड़ा आराम से चलो, आपको बच्चों के साथ भागने की पड़ती है, जल्दी नहीं भागोगे, करते रहिए, रोकना नहीं है, हाँ पैरों पर फोकस कीजिए। फिर इसके साथ मैं हैंड्स की पोजीशन बताती हूँ, अभी ध्यान से देखिए, हैंड्स की पोजीशन को सेम इसी पोज में मैंने बताया हुआ है, दोनों हाथों को इंटरलॉक कीजिए, हाँ ये चलेगा, ये आपका आर्म्स पैड के लिए, देख लीजिए सामने, वेरी गुड। एक एक एक्सरसाइज को ध्यान से सुनेंगे, बिल्कुल जल्दी नहीं करेंगे, जिसको बैक में पेन है थोड़ा सा आराम से चलेंगे, बिल्कुल जल्दी नहीं करनी, क्या बात है, वेरी गुड, और थोड़ा सा स्ट्रेच कर लीजिए ऊपर,
ठीक है, ये भी हो गया। बस 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 अभी, क्योंकि सारे बॉडी के जॉइंट्स खोलने हैं ना, तो थोड़ा सा आराम से। फिर ये एक्सरसाइज मैं पहले सिखा चुकी हूँ, लेकिन बहुत अमेजिंग एक्सरसाइज है पैरों के लिए भी। अभी सुबह भी किसी ने शेयर किया था कि वॉकिंग करते हुए पैर फील ही नहीं होते थे, इतनी बड़ी भारी प्रॉब्लम थी कि पैर फील ही नहीं होते थे। अब उनका हफ्ते 10 दिन बाद ही पैरों में फीलिंग आई, पैरों में जान आई। बताओ, देख लीजिए जूम पे एक बार, सुन लीजिए, क्योंकि पैरों की ये लेडीज की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है। हाँ मैम, मैं जब आपको ज्वाइन किया था उससे पहले, हाँ, मतलब जो हर 2 महीने, मतलब हर महीने में मेरे को होता था कि मेरा इतना पोर्शन सुन्न हो जाता था। ओए हो, यही प्रॉब्लम आज किसी ने शेयर किया। हाँ यही प्रॉब्लम सुन्न हो जाता था, मुझे ना फील था, मतलब मैं काम करती थी, काम करते वो भी काम तो करते थे कि मैं इसमें ना ऐसे करती थी, फिर कुछ मोड़ती थी कि भाई शायद मतलब फीलिंग आया कुछ, बट पता नहीं क्या बात है। अब ऐसी चीजें आप बोलते हो तो याद आती है कि वो क्या बात है। उसके बाद भाई ऐसे लोग भी, गॉड ब्लेस यू, कि ऐसे लोग शेयर भी कर रहे हैं। देखो किस लिए, कि जो हमारी यूट्यूब फॉलोअर्स है, हर लेडी हर इंसान स्वस्थ होके जिए बस। और ये पैरों की, हाथों की, कमर की इतनी जरा जरा सी प्रॉब्लम्स है, लेडीज इसको इग्नोर ही कर देती है। इग्नोर करने की जरूरत नहीं है। ये देखो, ये कह रहे बहुत सालों से थी प्रॉब्लम, और कितनी दवाइयां, डॉक्टर बोलता था B12 कम है, ये है वो है, सब कुछ खाती थी, बट फिर हर दूसरे महीने ये सेम प्रॉब्लम शुरू। सेम ईयर, अरे वाह, जूम पे भी कह रहे हैं सेम ईयर, अरे मुझे भी यही फील हो रहा है। देखो इसीलिए हम बता रहे हैं कि यूट्यूब जो हमारे फॉलोअर्स हैं, बिल्कुल वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कि ताकि हर लेडी, कम से कम आप जो हम बता रहे हैं उसको तो शेयर करें ना। आप अपने आप नहीं सिखा सकते, कम से कम वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कि जो लोग जूम पे नहीं आ सकते वो कम से कम घर बैठे इनका प्रैक्टिस करें। तो अभी मैं क्या बता रही थी उस चीज के लिए, हाँ मैं ये बता रही थी कि इसको मैं पहले सिखा चुकी हूँ, लेकिन ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम क्या करेंगे, एक मैट से दूसरे मैट पे एक राइड किया, 1 वॉकिंग के साथ, इससे भी पूरा थाई, यहां से लेके पूरा सर्कुलेशन इंप्रूव होगा। तो आप तीनों इस पे एक जैसे आओगे कदम, समझ गए, बिल्कुल एक साथ चलोगे। हाँ हाँ, गलत किया दोबारा, बिल्कुल समझ के, समझ के मैंने बताया ना कि 1 and 2, फिर ये पीछे रखा, फिर ये जब ये आया तो ये आएगा, ठीक है, फिर से कीजिए। क्या बात है, थाइस को और ऊपर, वेरी गुड मैम जी। मेरे पैर की भी नस दब रही है, प्लीज उसका एक्सरसाइज, हाँ जी बता रहे हैं, वही तो बता रहे हैं, पैर की नस आपके सामने गायत्री जी ने भी शेयर किया है कि बहुत दिन से उनका पैर सुन था, तो बिल्कुल ठीक होगा, 100% सुन होगा, लेकिन साथ साथ लगे रहिए, लगना पड़ेगा। क्या बात है, बहुत सिंपल सिंपल एक्सरसाइज, आपको एकदम लग रहा है, आराम से करते हो बस ना। आप दोनों ने कैलरीज ज्यादा बर्न, तो पैर को जरा सा और ऊपर स्ट्रेच कर दो, क्योंकि स्ट्रेचिंग से ज्यादा कैलरीज बर्न होती है। जिनके पैरों में दर्द है वो सिर्फ ऐसे करेंगे बस, ये बिगनर्स ये करेंगे, बाकी स्टेप्स के साथ ये बहुत अमेजिंग कार्डियो है। अरे वाह, काफी लोग मैसेज कर रहे हैं कि ज्वाइन करते समय जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स होती थी वो ठीक है, बस 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 थक जाओगे रेस्ट, क्योंकि अभी और भी बहुत कुछ करना है। तो मुझे लगता है कि 10-15-20 मिनट में मैं तुम्हें कितना कुछ अंदर पावर भर दे हम आपको, बिल्कुल पूरा सांस लीजिए, बीच में रेस्ट लेना बहुत जरूरी है। पैरों के लिए एक और, जिन्होंने पूछा है वो एक और बता दें, पहले देख लीजिए, दोनों हाथ ऊपर करेंगे, और वैसे तो सुनो ध्यान से, दोनों तरीके से मैं बता देती हूँ। जो बिगनर्स हैं उनको तो ऐसे मैं बताऊंगी, जिनके पैर में कोई दर्द है वो ऐसे, वो सीधे पैर को नहीं कर सकते, लेकिन जब पैर में स्ट्रेंथ आएगी 4 स्टेप्स आगे चलोगे। तो पहले वहीं अपनी जगह पे खड़े होके पहले उनके लिए बता दो हाई नी जैक स्लोली जो करना है, 1 2 स्पीड कम, पहले पैर मोड़ के करो ताकि सब लोग वही कर ले। हाँ 1, हाँ थोड़ा सा आगे हो जाओ, पैर हाथ खुल जाए पूरा। हाँ ये देख लीजिए पैर की पोजीशन देख लीजिए, वेरी गुड। तो सीक्वेंस वाइज करेंगे, ये बात ध्यान रखिए, अगर बीच में कोई एक्सरसाइज छूटती है तो वीडियो को हम बाद में अपलोड कर देंगे, अपलोड की जाए या नहीं की जाए वो भी बताइए हमें।
फैन चला के एक्सरसाइज कर सकते हैं जी, हमारा तो बंद है, आप चला लो, आपकी मर्जी है। हम चलाएंगे लेकिन अभी 35 मिनट बाद है, क्योंकि जब कुछ करने ही बैठे हैं। ये क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। स्लोली करो स्लोली निधि गुप्ता जी, इसके हिसाब से क्या बात है, इतनी छोटी बात की भी जो सुन हो रहा था, और ये कितने सालों से था, और ये क्या टाइम से बहुत है, अब पूरी एनर्जी है अंदर पूरा, अब सुन उसके बाद तो पता क्या बात है, ज्वाइन करने के बाद सुन नहीं हुआ पैर, और कितने दिन हो गए ज्वाइन किए हुए, 4 महीने, 4 महीने हो गए सुन नहीं हुआ, ये कम अचीवमेंट्स नहीं है बॉडी की, पैरों का सुन होना, क्योंकि अगर पैर सुन तो मॉल में कैसे घूमने जाएंगे, है यात्रा करने होगी कैसे जाएंगे फिर, मॉल में तो घूमने के लिए पैर चाहिए, बिल्कुल चाहिए, या तीर्थ यात्रा करनी है तो भी पैर चाहिए, ठीक है। अब इसी में थोड़ा सा और इन दोनों के लिए मैं बताऊंगी क्या करना है, इसमें कैलोरीज ज्यादा बर्न होंगी, लेकिन जिनके घुटनों में पेन है उनके लिए बस, उनके लिए तुम फास्ट करोगे दोनों, वेरी गुड, हाँ करते रहो कम से कम 50-50। मैम आप ज्वाइन करने का क्या पेमेंट लेती है? अभी तो फिलहाल फ्री दिखा रहे हैं ना आपको, YouTube फॉलोअर्स को फ्री दिखा रहे हैं ना, तो आप उसको फॉलो करो, ठीक है, बिल्कुल फ्री है ये आपके लिए, कोई पेमेंट ले रहे हैं आपसे, बताओ YouTube के कोई पेमेंट ले रहे हैं आपसे, बिल्कुल फ्री है, फ्री वाले में आइए, हॉस्पिटल में होता है ना फ्री ओपीडी होती है और दूसरा इमरजेंसी होती है, ये तो सब इमरजेंसी वाले हैं जरा, है ना, जिनको वजन कम करना है इमरजेंसी वाले हैं, और दूसरे इमरजेंसी वाले हमारे जूम पे दिखा दो, दूसरे इमरजेंसी वाले हमारे जूम पे हैं, कि अगर कोई डॉक्टर्स की फीस मैं बार बार कहूंगी, अगर आप दे दे के फीस थक गए हो, डॉक्टर्स के पास फीस दे दे के थक गए हो, तब यहाँ आइएगा, क्योंकि उतनी फीस आपके डॉक्टर्स की और टेस्टिंग में भी लगनी है। रिलैक्स, पूरा सांस लीजिए, इसमें फिर पैर थक जाते हैं, आप पैरों को नहीं हिलाना, फिर धीरे से ये सांस को बाहर निकालते, तो जितने भी हमारे YouTube फॉलोअर्स हैं बिल्कुल फ्री वाले सेशन में आइए, YouTube पे हम आपको बिल्कुल 13 मिनट का हो चुका है, मैसेज आ रहे हैं क्योंकि हाँ कोई नहीं आते रहें तो बीच बीच में पढ़ते रहेंगे, मैम आपको बहुत बहुत थैंक्स, थैंक्स जी, बिल्कुल आप देखने वाले से ज्यादा थोड़ा सा, ये देखिए इतनी प्यारी एक्सरसाइज है, करने पे भी जोर दें, ये देखिए बहुत प्यारी है, तो मैं अपने YouTube फॉलोअर्स को एक मैसेज देना चाहूंगी, ध्यान से सुनिए, करते भी जाइए क्योंकि टाइम ही वेस्ट होना चाहिए बात सुनने में, हाँ अक्षिता, हाँ थोड़ा सा कम झुको, हल्का सा कम झुको बस, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये जो हम स्टेप्स करके दिखा रहे हैं, आप बिगनर्स करना, एडवांस नहीं, जैसे मैं इन दोनों को कैलोरीज बढ़ू, इनका इनको फॉलो करना गायत्री जी को, ठीक है। हाँ मैं अपने YouTube फॉलोअर्स को एक मैसेज देना चाहूंगी, इस शरीर को जितना ज्यादा चलाओगे ये उतना ज्यादा तुम्हें देगा, हाँ बस थक जाओगे बस, इस शरीर को जितना ज्यादा चलाओगे ये तुम्हें ज्यादा देगा, और जितना निठल्ला आराम प्रस्त बना दोगे ये उतना कम देगा, और जिंदगी जीरो, तो जिंदगी जीनी है या काटनी है, दोनों बातों में फर्क है, बताओ जल्दी, जिंदगी जीनी है या काटनी है, जीनी है, तो जो लोग जूम पे आ सकते हैं जूम पे आ जाइए, लाइव आने हैं कि अभी ज्यादा परमिशन नहीं है, ठीक है, कोरोना की वजह से हम 2-3 को ही परमिशन दे रहे हैं, ठीक है, और बाकी बिल्कुल फ्री करना चाहते हैं तो यूट्यूब है ही आपके लिए, फर्क तीनों में पड़ेगा, सिर्फ एक मन में सुधार की इच्छा होनी चाहिए, ठीक है, हो गया ये, अब स्क्वाट्स की प्रैक्टिस करेंगे, 2 एक्सरसाइज बहुत ही प्यारे, वॉल पे लग जाइए पहले, देखेंगे दोनों पैरों में गैप, दोनों हाथ सिर के पीछे, धीरे से सांस को बाहर निकाला, जो 50+ है वो इससे ज्यादा नीचे नहीं जाएंगे, ये अक्षिता तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद होगी, ये सारे स्क्वाट्स प्रेगनेंसी में भी किए जा सकते हैं, 8वें महीने तक किए जा सकते हैं, बस ये है कि अगर वजन ज्यादा है तो घुटने पे भार ज्यादा नहीं लेना, फिर क्या करेंगे हम, ये देखिए, फिर सीधे आकर
बिल्कुल बाहर निकाल देंगे इस एरिया को, फिर बीच में आएंगे, सांस को बाहर निकालेंगे, इधर आओ बीच में, तुम भी इधर आओ लास्ट में। ध्यान से देखिएगा, ये सभी एक्सरसाइज हम 8वें महीने तक भी कर सकते हैं। क्या बात है, वेरी गुड। वापस आकर बिल्कुल बिल्कुल और टाइम स्ट्रेचिंग से, स्ट्रेचिंग से मैक्सिमम कैलोरीज, यहाँ बिल्कुल स्ट्रेच फील करो और सांस को बाहर निकाल दो, बाहर निकाल के कुंभक, क्योंकि जब वापस आओगे तो गहरा सांस आएगा। अपने स्पाइन के एंड पे रखो, फिर से गहरा सांस, सांस को बाहर निकालते हुए झुक जाइए और आंखें बंद करके ध्यान को लगा दो बिल्कुल। पूरा सांस लीजिए, पूरा सांस छोड़िए। जब तक स्ट्रेचिंग को एंजॉय नहीं करोगे तब तक मजा नहीं आएगा। सवाल ये नहीं है कि कितना झुक पा रहे हो कितना नहीं झुक पा रहे, सवाल ये है कि सेशन को एंजॉय कर रहे हो या जबरदस्ती ले रहे हो। क्या, फिर से मैं दोहरा रही हूं, सेशन को एंजॉय कर रहे हो या जबरदस्ती? तो एंजॉय करते हुए करना है, जहां आपको लगता है कि थक गए हैं वहां रिलैक्स हो जाइए। तो स्क्वाट्स की ये है प्राइमरी स्टेप की प्रैक्टिस, ठीक है। फिर इसमें कैलोरीज को बर्न करना है, ये जो बिगनर्स हैं वो तो इनको फॉलो करेंगे, ठीक है। देख लेती हो अभी ये भी कितना कर पा रहे हैं। नेक्स्ट, अगर कैलोरीज को बर्न करना है तो क्या करना है, इससे भी आपका ये लोअर बॉडी खुलेगी सारा। फिर से देख लीजिए, इतना बढ़िया स्ट्रेच आ रहा है, 1 2 3 4। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बस अक्षिता अपनी स्पीड कम रखिएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, एक साइड से कर लो, पहले कंफ्यूजन हो जाएगा। हाँ, आगे हो जाओ, पैर खुलेगा, बस यहाँ और आगे हो जाओ, और आगे, बस अब ठीक है, पैर साइड में जाएगा ना। वन, कौन से पैर मिलेगा उस पैर में, क्या बात है। वन टू थ्री, जैसे मैंने अपना पैर फील किया ना, और ऊपर जाएगा ये पैर, और ऊपर जाएगा, और ऊपर, और बॉडी पोस्चर हल्का सा सीधा हो गया। वेरी गुड, सांस ले लो बीच में एक बार, साइड चेंज करने से पहले एक बार सांस लो गहरा। अक्षिता अब तुम थक गए हो, दूसरी तरफ से करके बैठ जाना, ठीक है। हाँ, दूसरी तरफ से आराम से हो रहा है, पहले ये बताओ। वो पैर में ठीक है, ठीक है, तुम्हारा बेटा पैर कम उठ रहा है, और उठाओ इसके लिए, रुक जाओ, ये मैं जो अभी देख पा रही हूँ इसके लिए एक और प्रैक्टिस मैं बता रही हूँ, क्योंकि बच्चे की जैसे मैं देख रही हूँ थोड़ा सा अभी, और यहाँ 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 स्टिफनेस है। तो आपने क्या करना है इसके लिए, जिसको जो 50+ है वो तो ये करेंगे, वैसे ही एक्सरसाइज होती 50 बार ऐसे करो, तो देखो कैसे खुलेगा ये। फिर से सुन लीजिए, जो 50+ है, जो अक्षिता, तुम ऐसे करोगे, 1 2 3, तुम करोगे 50 बार, तुम दोनों करो, तुम आराम से उठाओ थोड़ा सा, हाँ ऐसे और ऐसे हो जाओ, हाँ पैर खुलेगा ऐसे, ये कर रहे हो तुम तो इतना, मैं नाम सुन तो कर लू, अच्छा वेरी गुड, भाई क्या बात है। तो ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि एक्सरसाइज में से एक्सरसाइज कैसे निकलनी है, और अगर एक चीज में से नहीं स्टिफनेस लग रही है तो उसकी जगह कुछ और ऑल्टर क्या करना है उसका। फिर इन सब पैरों को रिलैक्स करने के लिए धीरे से, 1 2, जानु शक्ति विकासक होता है हमारी योग की सूक्ष्म व्यायाम की ऐसे, लेकिन अगर ये अपने साइड पैड को कम करना है तो इसको साइड में फेंको हल्का सा ना, कमर को ये देखो, तो इसमें हमारा ट्विस्टिंग पोस्चर भी कवर हो रहा है, लेग्स भी कवर हो रही है, सांस भी, सांस को बाहर फेंकते हो, वॉक करो इसमें थोड़ा सा पानी। करते रहिए, 1 मिनट तक लगातार, और ये हमारे पूरे हो गए 20 मिनट का वर्कआउट। देखिए सारा वर्कआउट तो आपके साथ शेयर नहीं कर सकते, लेकिन ये वीडियो अपलोड की जाए या नहीं की जाए ये ज़रूर बताइए, और ये भी साथ में बताएं कि हमारी एक्सरसाइज से फ़ायदा हो रहा है कि नहीं, ताकि ये मेंबर्स जो आपको रोज़ की रोज़ डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं, रोज़ आपकी इम्प्रूवमेंट के लिए हमारे साथ हेल्प कर रहे हैं, तो इनकी मोटिवेशन के लिए भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है।
ताकि आपके लिए नई नई वीडियोस, नए नए टॉपिक्स पर लाई जाए। तो कोशिश कीजिए जितना हमें मैसेज में बताएंगे किस प्रॉब्लम के लिए, तो आपका हम नेक्स्ट सेशन में आपका वो टॉपिक भी ले सकते हैं। हज़ारों महिलाएं हालांकि एक्सरसाइज करके फ़ायदा ले रही हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि किसी खास टॉपिक पे, तो आप हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। और लास्ट में हमारा जंपिंग जैक्स तो रहता ही रहता है। जंपिंग जैक के भी मैंने दो तरीके बता रखे। पहले वो सिंगल बार पैर वाला कर लो, मैट से इधर, मैट से इधर आओ, हाँ एक साथ चलो तीनों, उधर मुँह करो, इधर इधर वाले इधर थोड़ा सा गैप कम करो तुम गुड़िया, बस अब चलो, वन टू थ्री, नहीं गलत कर रहे हो, ये थ्री फोर वाला कह रही हूँ मैं, वन टू थ्री, नहीं ये भी नहीं, गलत कर दिया तुमने, वन टू थ्री, ये है एक्सरसाइज। इसमें ना माइंड फोकस होता है, नहीं तो तुम अपनी मर्जी से ही जंपिंग करते रहते हो। और तेजी से हाथ ऊपर जरा। तो ये 20 मिनट का वर्कआउट 21 मिनट का हो गया समझाते समझाते, तो आप ये फॉलो कीजिए, ठीक है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, रोज लाइव हम इस टाइम आते हैं, तो कोशिश करें अपना सारा काम निपटा कर 11 बजे तैयार हो जाइए। हम सेशन हमारा 11 बजे स्टार्ट होता है, थोड़ा मेडिटेशन से, तो हम 11:10 पे शुरू कर देते हैं, ठीक है? तो रोज इसी टाइम मिलेंगे हम आपसे। देखते रहिए, स्वस्थ रहिए, अंत से हो। और 50 तुम जंपिंग जैक भी तुम